तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड AQ, ठीक है ना, सबके साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ रख लेते हैं ताकि जो है साफ से सफाई से दिखाई दे, मैं आराम से काम कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी देखिए आप स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं सीधा जो है केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो लिखते हैं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब क्या है, Br, तो पोटेशियम Br और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है AQ यानी सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस क्या दिया, बेरियम आयोडाइड यानी कि Ba2। ओके, और ये मीट रहा है इधर AQ है, ये भी AQ मतलब ये दोनों जलीय सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और ये क्या बना रहे हैं मिलकर, ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बनेगा BaSO4, ठीक है, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ओके, और ये जो है इसमें क्या दिया है, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस, मैं कहाँ चला गया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सॉरी सल्फेट तो है नहीं यहाँ पे, दूसरी लाइन देख ली मैंने, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे KI, ठीक है, KI, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सिंपल सी बात है, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा, बस मेरे हिसाब से ये होगा, बुक में देख लेता हूँ, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्या दिया, AQ दिया है, हाँ जलीय सॉल्यूशन बनेगा और ये जो है कि सॉलिड बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ध्यान से, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, संतुलित कर लेंगे बाद में अभिक्रिया के। देखिए यहाँ पर पोटेशियम था, यहाँ बेरियम है, पोटेशियम ने क्या किया, ज़्यादा रिएक्टिव है तो बेरियम को रिप्लेस कर दिया, देखिए खुद आयोडीन के साथ आ गया यहाँ पर, ठीक वैसे ही बेरियम ने क्या किया, पोटेशियम की जगह ले ली, ठीक है। देखिए बेरियम ब्रोमाइड बनाए ना, तो बेरियम ने पोटेशियम की जगह ले ली और पोटेशियम ने बेरियम की जगह ले ली, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे बोलेंगे इसको, ओके। तो ये आपका हो गया एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, अब करते हैं बैलेंस इसको संतुलित। तो संतुलित करने का दोस्तों वही तरीका जो आपको अब तक बताया गया चैप्टर में, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हाँ जो हम कर रहे हैं ना मेथड उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं, पोटेशियम एक, ब्रोमीन एक है यहाँ पे, ब्रोमीन क्या है, दो परमाणु हैं, तो इसका मतलब यहाँ करिए दो से गुणा, ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर, पोटेशियम दो हो गया, ब्रोमीन दो हो गया, बेरियम एक है, आयोडीन दो है, यहाँ चेक करो आयोडीन एक है, पोटेशियम एक है, बेरियम एक है, बेरियम एक है, Br2 दो है, तो दो हो गया, देखिए बेरियम हो गया, Br2 हो गया, क्या रह गया, आयोडीन रह गया और पोटेशियम रह गया है। तो आयोडीन और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं दो से गुणा, तो अब जो है चारों दोनों तरफ जो है हमारी जितनी भी चीज़ें हैं परमाणु की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में पार्ट बी देखते हैं। दोस्तों कठिन कुछ नहीं है, अगर आपने समझ लिया है और हमारे पढ़ाए हुए समझ लिया है तब समझ लीजिए कि बस काम खत्म और कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, स्क्रीन से बाहर तो नहीं है, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो बी पार्ट है हमारे पास, ओके, वो क्या दिया गया है कि जिंक कार्बोनेट, तो दोस्तों जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3, ठीक है, अब देख लेते हैं सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड ही दिया हुआ है। जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, इसने लिखा नहीं हीट किया है, बस ये लिखा है ब्रेक डाउन हुआ है, तो क्या बनाए, जिंक ऑक्साइड बनाए, ZnO और प्लस में जिंक ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है यानी ठोस अवस्था में निकल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये बात तो आप गांठ बांध लें, गांठ बांध लें मतलब 100% याद कर लें कि जहाँ भी कार्बोनेट होगा अगर उसे हीट करेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसको अच्छी तरह याद कर लें, हमेशा आपके कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे उसके। तो चलिए पहले देखते किस टाइप की रिएक्शन है, आप देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट है यानी कि एक एकल उत्पाद है, सॉरी उत्पाद कह रहा हूँ, अभिकर्मक है, ठीक है ना, और एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक यानी यहाँ पे दो बना रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक जिंक ऑक्साइड बना, तो यहाँ पर एक सिंगल चीज़ टूटकर दो चीज़ें दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये है एक
वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ओके सॉरी, तो ये आपके, ये आपको टाइप पता चल गई। अब चलिए बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। जिंक एक, जिंक एक, ऑक्सीजन तीन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, दो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है, संतुलित है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि अभिक्रिया संतुलित है, अतः हमें संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, एक मिनट, सी पार्ट में पूछा गया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बना रहे हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोजन दोस्तों इस फॉर्म में निकलता है, यानी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस, जी दिया होगा, जी बिल्कुल, और क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस भी ना टू के फॉर्म में, यानी कि ये डाई एटोमिक होती हैं, दो एटम एक साथ मिलकर रहते हैं। ओके, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये बनाएंगे मेरे ख्याल से गैस, या बिल्कुल सही जवाब, गैस बना रहे हैं। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? दो। यहाँ पे क्लोरीन कितने परमाणु हैं? दो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोरीन एक एक है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे दो से गुणा इनको संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दो से गुणा कर दें, आइए दो से गुणा हो गया। अब उधर भी दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इधर भी दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन। हाँ, एक बात और, अब किस प्रकार की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो ये जो है देख रहे हैं आप कि दो रिएक्टेंट, यानी कि दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, संयुक्त अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए पार्ट डी लेते हैं, और डी में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो लॉक लग जाता है यार मेरे इस मोबाइल में बार बार। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, यानी मैग्नीशियम को लिया गया है ठोस रूप में, और HCl को लिया गया है लिक्विड, जलीय विलयन होगा मेरे ख्याल से, जलीय विलयन है बिल्कुल। तो बना क्या, आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा घुली हुई फॉर्म में, ओके। और साथ में क्या निकल जाएगा, आप खुद ही देखो, हाइड्रोजन बाहर तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या दिया है, वही दिया है, ठीक है। तो अब जो है देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो उसने डिस्प्लेस कर दिया। अब किस प्रकार की अभिक्रिया ये, तो आप खुद ही देख रहे हो, मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित कर रहा है, तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन है। कौन सा विस्थापन है? एकल विस्थापन। तो आप लिख सकते हो एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल लिख देते हैं, बेहतर होगा ये आंसर के लिए, ठीक है, एक ही विस्थापन हो रहा है। अब बैलेंस करिए, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, इसका मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दो दो हैं, तो यहाँ दो से गुणा कीजिए, अब हो गया संतुलित, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि संतुलित करने में या बैलेंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये तो था चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 कहे कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। अच्छा चलिए करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं इसमें, आज माइक थोड़ा सा दूर लगाया है, देखते हैं आवाज़, पता नहीं वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही आप लोगों को। और आपको वीडियो जैसी भी लगती हो प्लीज़ कमेंट किया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत करते हैं सब कुछ, आपको इतने प्यार से समझाते हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, गलत बात है, लाइक कर दिया करो, कम से कम कुछ तो लाइक मिले। हालांकि मुझे सब अच्छा ही लगता बोलना, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। चलिए तो भाई सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब क्या पूछा गया, मैंने मोबाइल तो जेब में रख लिया, पूछा गया है कि दोनों में क्या अंतर है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा क्यों कहते हैं,
सॉरी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, अर्थ क्या है ये बताना है। देखिए तो आपको मैं दोनों में डिफरेंस बता के ही समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो उष्मा क्षेपी है, क्षेपी मतलब फेंकना, बाहर निकालना। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है, तो हम किसे बोलेंगे कि वह अभिक्रिया, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं एक ही डेफिनेशन लिखूँगा, अगले मैं आपको बता दूँगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, तो यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा जिसमें अभिक्रिया के दौरान, मैं सही लिख रहा था, जिसमें अभिक्रिया के दौरान, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, विमुक्त होती है, या फिर यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हाँ ये हिंदी में ये सारा थोड़ा सा अलग अर्थ में लिख देता हूँ, निकलती है, ठीक है। विमुक्त होने का मतलब है कि निकलती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, दौरान ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे उष्मा क्षेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे उसे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया उष्मा क्षेपी। अब इसमें दोस्तों उल्टा लिखिएगा, यानी कि यहाँ पे तो ऊर्जा निकलती है और यहाँ पे ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, आप इसके अनुसार बना लीजिएगा पूरा। ऊर्जा दी जाती है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया जो है होती है तो एनर्जी निकलती है, यहाँ पे हमें रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। यही है मुख्य अंतर दोनों में, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या है और इसमें मतलब कैसे हमें समझ में आएगा। जैसे इसमें अगर आप सबसे एग्जाम्पल आसान समझाता हूँ कि मान लीजिए C6H12O6 है आपके पास, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, जो कि हमारी कोशिकाओं में है, ग्लूकोज का अणु है जो हमारी कोशिकाओं में होता है। जब हम इसको जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, अब ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही रिएक्शन हो रही है बॉडी में, ठीक है ना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हर कोशिका तक जाती है, और कोशिका जो है कि कोशिका में जो उपस्थित ग्लूकोज है ये वाला, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, कंबसन रिएक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। और जहाँ कि मैंने बताया आपको कि यहाँ बनेगा H2O+ में CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना, दोनों गैस की फॉर्म में निकलेंगे बाहर, वाटर, ठीक है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बहुत अधिक मात्रा में निकलती है उसमें ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा निकलती है यानी कि जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है ग्लूकोज के अणु के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल निकलता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। यही दोस्तों वो ऊर्जा है जिसका हम उपयोग करते हैं। अगर ये रिएक्शन ना हो तो हमारी मौत हो सकती है, सेल डेड हो सकती हैं सारी। तो इसीलिए ये जो है कि एक जो है उदाहरण है किसका, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है। और अब बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो उष्मा शोषी का अगर हम उदाहरण लें तो इसमें जिसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए ना देनी पड़ती है ऊर्जा, तो ऐसी कौन सी, बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले लेता हूँ उदाहरण, कि अगर हम इसको हीट करें, ठीक है ना, गर्म करेंगे, गर्म एनर्जी देंगे, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ऐसे गैस बनाएगा। आई बस समझ में, ये तो सॉलिड होगा, तो एक ही नहीं बहुत सारी हो सकती है। आप इसमें ये भी दे सकते हो, जैसे एक तो ये वाली ऊर्जा हो गया ना, आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, अगर आप उसको जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसको साधारण से ऐसे समझ सकते हो इस वाली रिएक्शन को, कि जब चूल्हे में पानी मिलाते हो तो रिएक्शन होती है, और आपने देखा ही होगा जब आप घर सफ़ेदी करने के लिए चूल्हे में पानी मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उबलने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है। इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं, इसे एक्जोथर्मिक कहते हैं, क्लियर है बात। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप जो है कि
बहुत ही आराम से नीचे जाइए, सबसे नीचे वीडियो के नीचे जो है ना, जहाँ देख रहे हैं वीडियो आप स्क्रीन पे, उसमें सबसे नीचे जाएंगे सारे वीडियो के नीचे, तो आपको जो है कि मिलेगा एक कमेंट सेक्शन, वहाँ जाके जो है कमेंट करिए और अपनी बात भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन पढ़ लेते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अच्छा, वर्णन कीजिए। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो आप खुद ही लिख दीजिए इसमें साफ साफ कि श्वसन में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, यानी विघटन होता है, और बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और प्लस में, ठीक है, जल निकलता है। आई बात समझ में ये, और प्लस में क्या निकलती है, ऊर्जा। तो पूछा गया किसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा गया है, तो आप बता दीजिए, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है। डेफिनेशन लिखिए, फिर इसका उदाहरण देके समझाइए, ठीक है। पहले इसका उदाहरण ही लेना है कि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 रिलीज हो रही है और ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप जो है लिख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही बताया मैंने, ध्यान नहीं दिया, वरना मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा ही देता कोई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, सोचिए, आपको पता ही है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसी का उदाहरण ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, MgO बनता है, ठीक है, क्या बनता है, MgO। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, यानी कि दो अभिकर्मक जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद बना रहे हैं, यहाँ जुड़कर उत्पाद बना रहे हैं। वहीं पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें इसका, इस रिएक्शन का, देखिए, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगा तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एकल उत्पाद टूटकर एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, यानी दो उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ इसका उल्टा है, सिंपल सी बात है। तो आप दोनों की लिखिए परिभाषा कि वियोजन अभिक्रिया का विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, वहीं पर वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, ठीक है। सॉरी, वो जो हिंदी वाला वर्ड है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट टूटकर क्या देगा, ये टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, एकल अभिकर्मक एक से ज़्यादा उत्पाद उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा जो मैंने इतनी बार बोला है, ठीक है, ताकि आप लिख पाएं, इसलिए बोला है। तो अब मैं थका सा महसूस कर रहा हूँ यार, कुछ खाने पीने का मन कर रहे हैं। उन वियोजन, चलिए 12 भी देख ही लेते हैं लगे हाथों, जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, अब बोर्ड में इतनी जगह खाली है, करवा ही देता हूँ। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले ऊष्मा की देख लेते हैं। तो ऊष्मा के रूप में जहाँ ऊर्जा दी जा रही है वहाँ पे क्या है, जैसे ये तो मैंने बता ही दिया, यही है आपका ये वियोजन अभिक्रिया, इसी को एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिखिए। यहाँ लिखिए ऊष्मा दी जा रही है, क्या दी जा रही है, ऊष्मा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड बनेगा, प्लस में CO2 गैस, ठीक है, ये तो ऊष्मा हमें यहाँ पे दे रहे हैं ऊष्मा। अब अगर हम विद्युत की बात करें, जहाँ पर हम विद्युत धारा देंगे, तो आपको पता है, क्या पता है कि अगर आप जल से, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस और मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ये उसका एग्जाम्पल हो गया कि विद्युत धारा पास करते वक्त वियोजन अभिक्रिया हो रही है। और तीसरा जो है बोला है क्या इसने, प्रकाश, अच्छा, तो प्रकाश देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो सूर्य के प्रकाश में अगर हम सिल्वर को, ठीक है,
सिल्वर ब्रोमाइड को। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो। सूर्य के प्रकाश में ना बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है, मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ, तो चलिए कुछ भी का मतलब कुछ भी दे ही देता हूँ। अगर आप CH4 और क्लोरीन को मिलाकर रख देंगे सूर्य के प्रकाश में, इसको ना दोस्तों मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को अगर क्लोरीन के साथ मिलाकर हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो ये AgCl की भी एक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, कि HCl को और उसको मिला के अगर आप रख दे तो हो सकती है रिएक्शन हो जाती है, तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैं अलग से ये दे देता हूँ, ठीक है। तो CH4+Cl2 आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो वो बन जाएगा HCl, ठीक है ना। तो ये सूर्य के, ये सनलाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है, वियोजन का वो है। लेकिन हाँ, यहाँ तो एक मिनट, यहाँ वियोजन नहीं है, यहाँ क्या हो गया? विस्थापन हो गया, तो सॉरी ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको AgCl2 वाले ही दे देते हैं एग्जांपल, ठीक है। जब हम AgCl2 को रखते हैं ना प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, मैं सोच रहा था ये ना दिया जाए, लेकिन चलिए दे देते हैं एग्जांपल, एक्चुअली ना, चलिए AgCl2 को। तो ये क्या होता है कि Ag अलग हो जाता है और प्लस में Cl2 गैस, ठीक है, ये 2 नहीं होता यहाँ पे, यहाँ नहीं 2 होता है, AgCl होता है सिंपल, क्योंकि इसकी एक संयोजकता होती है, इसकी भी एक होती है, तो Ag+Cl2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे इसको 2 से विस्थापित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, संतुलित। तो ये है वो अभिक्रिया जब हम प्रकाश में AgCl2 को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, तो ये बनता है। हाँ, ब्रोमाइड भी आप रख सकते हैं, जो वो वाली रिएक्शन है ना, जो फोटोस्टेट करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो निकालते हैं, उसमें ये वाली रिएक्शन जो है कि यूज होती है कि AgBr2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Br2। और कन्फ्यूज़न ना हो तो इसीलिए जो है कि एक बार क्लियर भी कर लेते हैं कि कहीं रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से यही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए, ओके, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, तो ये आपका फ़र्ज़ है। दोनों रिएक्शन सही थी जो लिखी थी मैंने, ठीक है, फिर भी मैंने कन्फर्म कर लिया। ये तो फोटो, इसे ना फोटोग्राफी में यूज करते हैं इस वाली रिएक्शन को, और जिसे पहले लिखी थी वो भी ऐसी सेम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आप आराम आराम से थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, और मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, आप टेंशन ना लें, खूब मन लगा के पढ़ें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ डोनेट करना चाहें अपनी तरफ से तो डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कुछ देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो जो है कि वीडियो के नीचे पेटीएम नंबर और अकाउंट नंबर भी गिवन होता है, आप वहाँ जाके अपनी तरफ से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।